हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ विक्रमजीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या है और आप इसको ऑनलाइन कैसे निकाल सकते हो। एनसीआरबी का मतलब है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है एक जो कि सर्टिफाई करता है कि आपकी गाड़ी का कोई थेफ्ट केस नहीं है, आपकी गाड़ी का कोई चोरी केस नहीं है। जब भी आपको एनओसी के लिए अप्लाई करना होगा, उस केस में एनसीआरबी का एक प्रिंट आउट आपको एनओसी के बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको लगाना होगा, तब भी आपको एनओसी मिलेगी। अगर आपके पास एनसीआरबी की रिपोर्ट नहीं है तो आपको एनओसी नहीं मिल सकती। ठीक, तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कि आप एनओसी के लिए एनसीआरबी की रिपोर्ट कैसे ऑनलाइन निकाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको खोलना है गूगल। गूगल में टाइप करना है ncrb.gov.in। तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। पहला लिंक ओपन करना है आपको। पहला लिंक ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ से नीचे जाना है, वाहन समन्वय पर क्लिक करना है आपको, जहाँ पर ये कार बनी हुई है। देन आपको जन सामान्य के व्हीकल इंक्वायरी लिंक 1 पर क्लिक करना होगा। वाहन इंक्वायरी लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर कोई भी आईडी पासवर्ड नहीं डालना, वाहन समन्वय पर क्लिक करना है। और उसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है। एंड देन आपको पूरी इंफॉर्मेशन भरनी है, नाम, किसके नाम पर गाड़ी है, कहाँ पर अभी वो रजिस्टर्ड है, वहाँ का पिन कोड, ईमेल की जरूरत नहीं है आपको, मोबाइल नंबर, व्हीकल का टाइप, कैस कार है, बाइक है, उसके बाद कौन सी गाड़ी है वो चूज़ करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आपको, उसके बाद चेसिस नंबर और इंजन नंबर, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। प्लीज़ मेक श्योर कि सारी इन्फॉर्मेशन सही हो। अगर गलत इन्फॉर्मेशन डालोगे तो रिपोर्ट फैच नहीं होगी। यह है गाड़ी का चेसिस नंबर और देन गाड़ी का इंजन नंबर, जो कि आपको आरसी से मिल जाएगा। आरसी की बैक साइड पर लिखा होता है ये। उसके बाद नीचे ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, कौन से ईयर में गाड़ी बनी, लाइक कौन सा मॉडल है, और नीचे कलर, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको भर के सबमिट करना। सर्च पे आप क्लिक कर सकते हो तो एक पीडीएफ फाइल जनरेट होगी। वो पीडीएफ फाइल ही एनसीआरबी की रिपोर्ट है। आपको इसका प्रिंट आउट लेकर एनओसी के जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको इसको अटैच करना होगा। यहाँ पर आप नीचे देखोगे कि लिखा हुआ हैज़ नॉट बीन रिपोर्टेड एज स्टोलन बाय पुलिस, मतलब कि इसका कोई भी थेफ्ट केस नहीं है, कोई भी चोरी का केस नहीं है इस गाड़ी का। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपनी गाड़ी के लिए, अपनी कार या बाइक के लिए एनसीआरबी की रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बाय बाय।